हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सैंपल पेपर करवाने जा रहा हूँ। ये मैथ्स का सैंपल पेपर रहेगा, क्लास नाइन्थ का, ठीक है, 2022-23 का। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही देख सकते हैं। सेम यही पैटर्न जो है आपके फाइनल टर्म में यूज होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनल टर्म में आपका कैसा पेपर आएगा। ठीक, इस सैंपल पेपर की तरह आएगा। इसमें जो खंड ए होगा ना, खंड ए यानी के जो आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 20 आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा, एमसीक्यू में है, ठीक है। सेक्शन बी में 5 प्रश्न होंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। सेक्शन सी जो है उसमें 6 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और सेक्शन जो डी है उसमें 4 प्रश्न होंगे और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, ठीक है, सेक्शन डी में। और ये केस स्टडी वगैरह इस तरीके से इसमें होंगे। और सेक्शन जो ई है ना, इसमें 3 केस होंगे, और 3 केस होंगे तो उसमें बता रखा है कि कैसे कैसे होगा कि प्रत्येक में 4 अंक, 1, 1 और 2 अंक के, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। वो जब आप देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ना आपको ऑप्शन दे रखे होंगे तो आपको उन्हीं में से करने होंगे। यहाँ पर सब मेंशन किया गया कि कितने कितने क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है। और यहाँ पर बोला गया कि अगर कहीं पर भी फिगर है तो आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करनी है, उसके मार्क्स ये समझ लो आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। और 22/7 पाई की वैल्यू आपको लेनी है जहां पर भी नेसेसरी होता है, ठीक है। तो आपको ये मैंने बता दिया कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। अब हम सेक्शन ए करने जा रहे हैं। तो सेक्शन ए में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक एक चीज बड़े आराम से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। चारों में से कौन सा ऑप्शन है ये हम इसमें टिक करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो 3 लिखा है ना, इसे 3 लिख दिया, मैं यहां पर कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे आंसर यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो एमसीक्यू है तो केवल आपको आंसर आंसर लिखने, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप माइंड में कर सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है, ओके। अब देखो 3 है, ये 2 है, यहाँ 2 आ गया, ये जो रूट है ना, रूट यहां पर 3 लिखा है तो ये बटे में चला जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर से रूट है, यहाँ पर 4 लिखा है तो ये भी बटे में चला गया, मतलब अपॉन में चला गया। अगर यहाँ पर 3 ना होता ना तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 3 लिखे तो 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखे तो 4 लिखेंगे, ये भी बटे में आएगा। अब काटो 2 × 4, तो 3 ऊपर क्या बचा, 1, ठीक है, कुछ नहीं तो 1, 3 × 6 आ गया, तो ये आंसर आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया बी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी साइड इस रेशियो में दे रखी है, पेरिमीटर 300 है, तो एरिया कितना होगा। हिंदी में देख सकते हैं, जब हमें रेशियो में दिया होता है ना तो पहले हम कोई वेरिएबल उसके साथ लगा लेते हैं ताकि हमें हर किसी साइड की वैल्यू पता लग सके। तो ये हीरोन फॉर्मूले वाला चैप्टर 12 से, तो पेरिमीटर इसका दे रखा है, जो चीज दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने रेशियो को अलग करने के लिए इसके आगे के लगा लिया, आप एक्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक नंबर का तो मैं ज्यादा डीपली से लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, ठीक है। इजिक्वल टू में कितना लिखेंगे, 300, क्यों, क्योंकि ये भुजाओं का अनुपात है, भुजाएं मतलब ये ट्राइंगल होता है, इसकी ये साइड्स होती है, इसे भुजाएं कहते हैं ना इंग्लिश में, साइड्स, तो इनका टोटल 300 ही तो होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 300, तो कितना हो गया। और जिन बच्चों को आता है ना वो खुद ट्राई करते रहेंगे, फिर आंसर मैच करते रहे, 7/12 और 3/15 होंगे, ठीक है, इससे ये होगा कि उनको पता लग जाएगा ना कितना आता है, फिर कोई गलती होगी तो फिर मैच कर लेंगे ना, ये है, क्योंकि मेन उद्देश्य तो आपको आना चाहिए ना। 15 × 30 के कितना आ गया, 20 आ गया, आ गया। तो अब शायद पहले कितनी आ गई, ये जो 3 है ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 20 को, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 60, ठीक है। फिर बी कितना आ गया, ये 5 है, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो आ गया। फिर
7 देर का 7 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ गया 140। क्योंकि देखो ये के से मल्टीप्लाई करने पड़े तो साइड बनी थी, अब तीनों को जोड़ के देखो 300 आ रहा है भाई, आएगा ही आएगा क्योंकि ये तीनों साइड ही तो है, ठीक है। तो अब आप निकाल लो एस, एस कैसे निकालते हैं, इन तीनों को जोड़ के आधा कर दो, मतलब एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो तीनों को जोड़ के आधा कर दो, और आपको पता है तीनों को जोड़ेंगे तो 300 ही तो आएगा, और 300 का आधा कितना होता है, 150 होता है, ठीक है। 300 क्यों आया, क्योंकि ये तीनों साइड ही तो है, और तीन साइड का टोटल 300 दे रखा था, उसी से तो हमने के निकाला था। अब एस माइनस ए निकाल लो, एस माइनस ए यानी कि 150 में से 60 घटा दो, 90 आ गया। फिर एस माइनस बी निकालो, 150 में से 100 घटा दो, 50 आ गया। एस माइनस सी निकालो, 150 में से 140 घटा दो, 10 आ गया। अब लगा दो हीरोन फॉर्मूले का एरिया का, ठीक है। एरिया क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है, 150। एस माइनस ए कितना है, 90। एस माइनस बी कितना है, 50। एस माइनस सी कितना है, 10। अब इसके प्राइम फैक्टर कर लो, 15 है ना, तो 5 तिया 15, 10 का कर लो 2 5 जा 10, 9 का करो, 3 तिया 9, 0 का 2 5 10। आप चाहे तो 0 0 का अलग भी लिख सकते हो, जल्दी हो जाता है उससे। 5 10 का करो, 2 5 10, 10 का करो, 2 5 10, ठीक है। अब फटाफट बाहर निकाल लो, दो में से एक बाहर निकलेगा, तो ये 5 है, ये 5 है, एक बाहर आ गया, ठीक है। और ये 3 है, ये 3 है, ठीक है, एक दो एक बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 2 है और ये 2 है, तो एक दो बाहर आ गया, ठीक है, ये सब हो गए। उसके ये 3 है और कोई 3 नहीं, अंदर रह जाएगा ये वाला, 3 अंदर चला गया ना, क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं था। ये 5 2 5 है, इनमें से 5 बाहर आ गया, ठीक है। और ये 2 है, ये 2 है, एक दो बाहर आ गया, और ये 5 है, ये 5 है, ठीक है, एक 5 हमारा बाहर आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो, देखो 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, ठीक है, और 5 से कितना तो 15, तो 15 और 2 0 लग गई, 1500 √3। क्योंकि देखो ये एक नंबर का, तो इसलिए मैं इसको वैसे नहीं करा रहा जैसे 3 नंबर में करते हैं, तो मतलब मैंने सिर्फ आंसर बताने के आपको बता दिया, तो 1500 √3 आ गया, समझ में आ गया आपको, इसका आंसर बी आ गया, ठीक है। क्या आ गया इसका आंसर, बी, ठीक है। पेपर में तो आपको कैसे करना होता है मैं आपको बता दूं, ये हम रफ में करते हैं, ठीक है। पेपर में जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और 1 का जो है क्या आंसर आया था हमारा, बी, तो हमने बी लिख के 3 की पावर 1/6 लिख दिया। और क्वेश्चन नंबर 2 उसका भी बी आंसर है, तो 1500 √3 स्क्वेयर सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। अगर कोई सोल्व करके फिर आंसर लिखता है तब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से बड़ा बड़ा लिखना ताकि टीचर को पता लग सके कि हाँ बच्चे ने कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये दो जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम है, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और हमें बोला गया कि अगर एक वैल्यू दे रखी है तो इनमें से कौन सी सिचुएशन ट्रू होगी, सच होगी, तो जो चीज दे रखी है वो वाली आप बना लो, ठीक है। तो हम इसको फटाफट बना लेते हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल हमने यहां बना लिए, ठीक है, ये देखो, तो दो ट्रायंगल हमें बना रहे हैं, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, ए बी सी, ठीक है, तो हमने ए बी सी ऐसे लिख लिया, क्योंकि देखो कॉन्ग्रेट है ना, तो जैसे यहां लिखा वैसे यहां लिखना पड़ेगा, एफ डी ई, तो एफ इधर, डी इधर, ई इधर। आप डी इधर लिखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। फिर हमें बोला है ए बी 5 है, ये 5 है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट है। बी 40 का है, ये 40 का है, तो ये भी 40 का होगा, ठीक है। ए 80 का है, ए 80 का, तो ये भी 80 का होगा। अब आपको पता है एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, एक ट्रायंगल का टोटल होता है 180 डिग्री, तो 80 40 120, 120 180 में से घटाओ तो 60 आ जाएगा, तो ये 60 का, तो ये भी 60 का होगा, ठीक है। अब चेक कर लो कि हमें इनमें से कौन सी चीज सही दे रखी है। देखो यहां पर लिखा है डी एफ 5 है, डी एफ 5 है, तो ये तो ट्रू है। कह रहा है एफ 60 का है, नहीं 80 का है ना, गलत है। ये देखो डी एफ 5 का है,
DF 5 का सही है, E 60 का है, E 60 का, तो ये आ गया। तो इसका आंसर भी क्या है, बी आ। ठीक है, तो हमारा थर्ड वाले का आंसर भी क्या आ गया, बी आ। क्लियर हो गया आपको, तो हमें और देखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं। अब चौथे क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब फोर्थ क्वेश्चन में आप देखें कि आपको इस पूरे की वैल्यू जीरो दे रखी है, और आपको पता लगाना कि इनमें से कौन सा समीकरण सही होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन सही होगी, तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर सेकंड है ना आपकी बुक में, तो उसमें सबसे बड़ा जो फॉर्मूला वही वाला हम लगाएंगे। तो मैंने आपके लिए कॉपी को थोड़ा सा मैंने इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर लिया ताकि आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाए। तो आपको पता है बड़ा फॉर्मूला ये होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे सामने। अब देखिए यहां पर एक्स के ऊपर 1/3 लिखा है, तो जहां एक्स है ना वहां पे हम लिख देंगे एक्स के ऊपर 1/3, जहां वाई लिखा है वहां लिख देंगे वाई 1/3 पावर में, जेड की जगह 1/3। ठीक है, ताकि ये वाली फॉर्म हम गेट कर सके। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिस फॉर्म में जैसे दे रखे वैसे आपको लाना पड़ेगा। तो जो एक्स है वहां पे क्या लिख देंगे 1/3, ऊपर ऊपर 3 का 3 रहेगा, वाई की जगह क्या लिख देंगे वाई 1/3 ऊपर 3 का 3, और जेड की जगह क्या दे रखा है 1/3। ठीक है, तो यहां पर जेड यहाँ 1/3 ऊपर 3, देखो ये 3 3 ऊपर ही रहेंगे, बस एक्स की जगह हमें क्या लिख देना है एक्स 1/3। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमने क्या करा, एक्स है ना एक्स की जगह एक्स 1/3 लिख दिया, वाई की जगह वाई 1/3 लिख दिया, और जेड की जगह जेड 1/3 लिख दिया। जहां जहां एक्स है ना, जहां जहां एक्स है वहां पे आपको क्या लिखना है एक्स की पावर 1/3, वाई की पावर वाई 1/3, और जेड की पावर जेड 1/3। ठीक है, तो करते हैं आगे। 3 एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका एक्स 1/3, वाई की जगह वाई 1/3, जेड की जगह क्या आ जाएगा जेड 1/3, और इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका इक्वल टू लगा दिया, इसकी जगह क्या आ जाएगा एक्स की जगह क्या आएगा एक्स 1/3 वाई 1/3 जेड 1/3। और देखो हालांकि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हमें दे रखा है जीरो के बराबर, तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर भी मैं लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर बड़े नंबर में आया तो आप कर लोगे। एक्स की जगह क्या आएगा 1/3, ऊपर क्या लगा हुआ है 2, वाई की जगह क्या लिखेंगे 1/3, ऊपर क्या लगा हुआ है 2, जेड की जगह क्या आएगा जेड की पावर 1/3, ऊपर क्या लगा हुआ है 2, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1/3, वाई की जगह क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, वाई की जगह क्या आ जाएगा 1/3, जेड की जगह क्या आ जाएगा 1/3, जेड की जगह क्या आ जाएगा आपका 1/3, एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो ये इक्वल टू हमने यहाँ लगाया हुआ है। ठीक है, तो इक्वल टू ना लगा के ये लगा देना, ये देखो ये 3 से पावर मल्टीप्लाई क्या हो गया, ये कट गया। ठीक है, ये 3 से 3 क्या हुआ कट गया, करके दिखाना, करके दिखा दो, ऐसे काट दो, ये तीनों इकट्ठा लिख दो, 3x की 1/3 वाई की 1/3 जेड की 1/3। ठीक है, इज इक्वल टू इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, इस पूरे की जगह हम लिख देंगे जीरो, पूरे की वैल्यू जीरो दे रखी है ना, तो ये जीरो आ गया, और ये पूरा सेम उतार देंगे यहां पर, सेम ये पूरा सेम उतार देंगे। अब देखो ये क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई, ये क्या हो गया जेड, ये क्या होगा 3x की 1/3 वाई की 1/3 जेड की 1/3। ठीक है, इजिकल टू में जीरो से मल्टीप्लाई करा के आ गया जीरो आ गया। ठीक है, तो अब इसको उठा के उधर ले जाओ,
इसको उठा के उधर, ये माइनस का है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एक्स की 1/3, वाई की 1/3, जेड की 1/3, हमारा ये आंसर आ गया। तो मतलब अगर कहने का ये है कि अगर ये इक्वेशन आती है तो ये किसके बराबर होगी, देखो इधर ये है ना, बी के बराबर, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, बी आ गया। अब उसके बाद हम करेंगे पांचवा क्वेश्चन। यहां पर बोला गया है कि पी के ब्रैकेट में लिखे -1, तो आपको जहां एक्स है वहां -1 लिख के इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ऐसी इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व करते हैं इसमें, तो बहुत सिंपल है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² + 5। तो जहां ये -1 लिखा है ना, तो एक्स की जगह -1, यानी कि जहां एक्स है वहां -1 पुट कर दो, तो -1 की पावर कितनी है, 3, तो इसको 3 बार लिख लो, 1, 2, 3, -3 लिखा, इसको 2 बार लिख लो, मल्टीप्लाई लगा लो इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे कभी बच्चे कहते हैं कि मल्टीप्लाई और साइन इकट्ठा मतलब होता है, ब्रैकेट में इसे रख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये 1, 2 कट गए माइनस माइनस, ये बचा -1 आ गया, तो 1, 2 कट गए, 1 बचा यहाँ लग गया, तो 3 1 जा 3 1 जा 3 आ गया, 1 1 जा 1 1 जा 1 होता है, ठीक है, 5 का 5 आ गया। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, साइन माइनस के रहते हैं, 5 में 4 के 1 आ गया प्लस का, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, डी, ठीक है। तो पांचवे का आंसर क्या आ गया हमारा, डी, ठीक है। तो अगर जैसे कोई पीछे आंसर गलत भी होगा, ठीक है, जैसे तो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं आपको 6th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। 6th क्वेश्चन में बोला गया कि ये हमें एक रेशनल नंबर दे रखा है, और ये कह रहा है जब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसे गुणा किससे करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कई बच्चे इस क्वेश्चन को देख के सिर्फ रेशनलाइज कर देते हैं और फिर कहते हैं आंसर नहीं आ रहा, पर यह बोला गया कि गुणा किससे करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम रेशनलाइज करते हैं ना बच्चों, तो जो नीचे वाला होता है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहां पर आप देखो, हमें a प्लस बी दे रखा है, ये रूट में है, तो जब हम इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये चीज ऊपर लिख देंगे, ये चीज नीचे लिख देंगे, प्लस का तो माइनस माइनस नीचे दोनों उतरेगा, तो हम इसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली। तो देखो ये चीज कहां लिखी है, ये लिखी, तो इसका आंसर डी आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वां, ये कह रहा है x बराबर 1 दे रखा है, वाई बराबर 2 दे रखा है, तो 2x + 3y = k, इसका सोल्यूशन क्या होगा, k का क्या मान होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जहां x है वहां 1 लिख देंगे, जब y है वहां 2 लिख देंगे, ये तो सबसे आसान था, सबसे कम टाइम लिया इसने, 8 आ गया, ठीक है ना। देखो 3 2 6 2 1 कम 2 6 2 8 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इसका, डी, क्लियर हो गया, ये तो आसान था, है ना, ठीक है। प्रैक्टिस होगी तो हर चीज आपको आसान लगेगी। 8वां देखो, ये कह रहा है कि अगर एक पॉइंट पी है, ठीक है, अगर एक पॉइंट पी है, तो ये कह रहा है कि वो एम और एन के बीच में लाई करता है, और सी जो है वो एमपी का मिड पॉइंट है, मतलब बिल्कुल बीच में आता है सी एमपी के, तो कौन सी चीज इनमें से सही होगी। ये तो हम बनाने पर ही पता लगा पाएंगे, बिना बनाए तो हम पता लगा नहीं सकते, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले हमें क्या बनाना है बच्चों, हमें बनाना है एम एन, ठीक है, एम एन, ठीक है, ये हमने एम एन बना लिया, और पी बिंदु ले लिया कहीं पर भी, ये पी बिंदु ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद हमें बोला गया है कि सी एम पी के बीच में लेना है, सी एम पी के बीच में लेना है, ले लिया। अब हमें पता लगाना कि कौन सी चीज सही है, इसमें कौन सी चीज सही है, ये पता लगानी है। तो आप देखो यहां लिखा है एम सी प्लस पी एन बराबर एम एन, नहीं हो सकता कि बीच में छूट रहा है, एम पी पूरा ले लिया, और सी पी हो नहीं सकता पूरे के बराबर, ये भी गलत है। ये देखो एम सी और सी एन, ये पूरा ले लिया, और ये पूरा एम एन के बराबर, बिल्कुल ठीक ही है ना, 5 चैप्टर से था ना, तो ये सी आंसर इसका आ गया। आगे देखने की जरूरत नहीं है, देखना चाहे देख सकते हो, सीपी सी एन एम एन हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, सी आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, सी आंसर आ गया। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है ये समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको पता है कि आमने सामने जो होते हैं वो बराबर होते हैं अपोजिट एंगल,
जो पैरेललोग्राम होता है ना उसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो इन दोनों को आमने सामने बराबर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3x-50 बराबर x+40। तो 3x+ का x माइनस का हो जाएगा, माइनस का 50+ का हो जाएगा, 3x में से 1x गया 2x, 90 आ गया, और 90 का आधा कर दिया कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 45। ये तो सबसे आसान ही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। ठीक है, समझ में आ गया ना, पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, तो हमने आमने सामने बराबर रख दिया, वेरिएबल को एक तरफ कर दिया, कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर लिया, हमारा आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th में बोला गया है कि डिस्टेंस ऑफ कोर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द कोर्ड इज 10 सेंटीमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ कि जीवा ए बी की केंद्र से दूरी 12 है, जीवा की लंबाई 10 है, तो वृत्त का व्यास निकालना है। पहले इंग्लिश में सुन लो बच्चों, ये हमें सर्कल दे रखा है और ये सेंटर है, ये कोर्ड है, कोर्ड उसे कहते हैं जो सेंटर को टच नहीं करती है और सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट पर टच करती है, ये टच कर रही है, ये कोर्ड है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इस कोर्ड की इस सेंटर से जो दूरी है ना वो 12 की है और इस कोर्ड की लंबाई, इस कोर्ड की जो लेंथ है वो 10 है, ये पूरी 10 है। तो ये कह रहा है डायमीटर निकालो, पहले रेडियस निकालेंगे ये और फिर रेडियस का डबल कर देंगे, डायमीटर निकल जाएगा। हिंदी में कह रहा है बच्चों की ये वृत्त दे रखा है आपको, दो फिगर नहीं बनानी, ठीक है, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, इसे दो बार कर रहा हूँ। ये हमें जीवा दे रखी है और ये केंद्र है, केंद्र की जीवा से जो दूरी है ना वो 12 है और जीवा की लंबाई 10 है, तो कह रहा है कि व्यास निकालो, पहले त्रिज्या निकालेंगे तो उसका डबल कर देंगे। अब देखो जब भी ये 90 डिग्री का बनता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। अब पूरा का पूरा 10 है तो आधा कितना हो गया, 5 हो गया भाई, ये सर्कल है, ठीक है, और हमें ये 5 दे रखा होगा क्योंकि पूरा 10 है तो आधा 5 होता है। ठीक है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन कोर्ड टू द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्टेड, ठीक है, तो उसको बाइसेक करता है, तो ये 5 है, ये 12, तो ये कितने का होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है, 12 को ले लो, बेस कितना है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा देना, कर्ण का स्क्वायर परपेंडिकुलर यानी कि लंब और बी मतलब बेस आधार, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का होता है 25, तो 169 आ गया, 169 आ गया, 169 का रूट कर दो 13 आ गया। ठीक है, तो ये हमें 13 मिल गई, तो ये 13 डायमीटर निकालने के लिए पूरी सीधी लाइन डाल देंगे, 13 और 13 कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया इसका, ए। ठीक है, क्लियर हो गया, ए आंसर आ गया इसका। अब उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है 11वां क्वेश्चन, कह रहा है कि अगर त्रिज्या को आर बाय टू लिखो और त्रिज्या ऊंचाई को 2L लिखो तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर इंग्लिश में बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया आपको पता लगाना है। ठीक है, अगर कोण का पता लगाना है, अगर रेडियस इतनी दे रखी है और स्लैंटर इतनी दे रखी है, तो जो चीज दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो टी एफ ए ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है हिंदी में, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, तो अब आप बताओ पाई की जगह क्या लिखेंगे, 22/7 क्वेश्चन में जब हमने सैंपल पेपर पढ़ा था तो पाई की जगह बोला गया था कि 22/7 लीजिए। ठीक है, पर एक बात सुनो मेरी, यहां पर तो पाई को खोला ही नहीं गया, तो हम भी पाई को नहीं खोलेंगे, वापस इसको बंद कर दो, मतलब पाई ही लिख दो। ठीक है, आर की जगह क्या बोला गया लेने के लिए, आर अपॉन में टू लेने के लिए बोला गया है, तो आर अपॉन में टू लिख देंगे, आर की जगह आर अपॉन में टू लिख देंगे। एल की जगह क्या लेने के लिए बोला गया है, 2L बोला गया, तो 2L ले लेंगे। ठीक है, देखो जानबूझ के रकम यानी कि गिनती ना देकर उसने क्या करा, वेरिएबल ही दे दिए, तो हम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस दो की मल्टीप्लाई दोनों में अंदर कर दो, पाई आर, इस दो को अंदर मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 2 2 जा 4, इस दो को इससे मल्टीप्लाई करो, नीचे 1 लगा लो, 2 1 जा 2। देखो नीचे की नीचे गुणा होती है, ऊपर की ऊपर होती है, याद रखना। आर अपॉन 4 2 से 2 कट गया,
एल आ गई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल पहले लिख दो, आर अपॉन फोर बाद में लिख दो। ठीक है, अब चेक कर लो कि कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है ना, ये सेम दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसमें क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ, 12वां क्वेश्चन है हमारा। 12वां कह रहा है कि जब हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं 12वां, तो उसके कितने आयाम होते हैं, आयाम मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट कितनी होती है इसकी। तो बच्चों पॉइंट की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, तो क्या आ गया, जीरो आंसर आ गया, ये तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, फिर कह रहा क्लास मार्क निकालो 150 से 160 का, हिंदी में देख लो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं बच्चों वर्ग चिन्ह निकालो। देखो 150 से 160 का वर्ग चिन्ह निकालना है, ठीक है, क्लास मार्क निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ये माइनस नहीं होता, 150 से 160 तो दोनों को जोड़ के आधा करते हैं ना, उसी को क्लास मार्क बोलते हैं। तो कितना आ गया, 310, 155, बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है क्लास मार्क। क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये 155 आ गया, इसका आंसर क्या गया, 13वें का सी। ठीक है, फिर आ जाओ 14। अब छोटे छोटे हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, 14 ये कह रहा है कि एक कक्षा का वर्ग चिन्ह 10 है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, क्लास मार्क आपको दे रखा है, ठीक है, 10 दे रखा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ क्लास मार्क, हिंदी में वर्ग चिन्ह 10 दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है क्लास विथ 6 है, तो क्लास विथ लिखी आ जाए या क्लास साइज लिखा आ जाए, बात एक ही होती है। ठीक है, वर्ग चौड़ाई या वर्ग साइज लिखा आ जाए बच्चों, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कह रहा है इसकी लोअर लिमिट निकालिए, वर्ग चौड़ाई हमें दे रखी है, इसकी निचली सीमा निकालनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी लोअर लिमिट कैसे निकाली जाती है, लोअर लिमिट हिंदी में निम्न सीमा, क्योंकि तो आपसे उच्च सीमा भी तो पूछ सकता है। तो आपको याद रखना बच्चों, जो क्लास मार्क दे रखा है वो लिखो, माइनस जितनी भी दे रखी है उसको 2 से डिवाइड कर दो, चाहे कितनी भी दे रखी है 2 से डिवाइड करना। कितना आ गया, 3, तो 7 आ गया। ठीक है, पूछा तो इतना था, 7 आ गया, आंसर कहाँ आ गया, 7, ये रहा। ठीक है, ये आ गया, मैं लेकिन एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको सिखाना है, 7 आ गया। अब देखो, मान लो अपर लिमिट पूछी होती तो, उच्च सीमा पूछी होती तो 10 प्लस कर देते। ठीक है, वही करेंगे, सेम देखो सेम लिखा है, प्लस कर देंगे कुछ, जितना आगे 13 होगा। ठीक है, अगर आपसे आगे पूछा होता क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल पूछा होता तो वर्ग अंतराल पूछा होता तो आप ये दोनों लिख देते, 7 से 13। और अगर आपसे पूछा होता क्लास मार्क निकालो, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है, वर्ग चिन्ह पूछा होता तो आप दोनों को जोड़ के आधा कर देते, 20 का आधा कितना हो गया, 10। चेक करो कि जो हमें ये दे रखा था वही चीज है ना, ये देखो वही चीज तो लेकर आए। तो उल्टा सीधा कैसे मर्जी पूछ ले, आपको हर चीज आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये मैंने पूरा इकट्ठा आपको बता। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान से उतर जाता है। तो 15वां क्वेश्चन है, 15वें क्वेश्चन बोला गया कि एनी पॉइंट, कोई भी अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर हमें बता रहा है कि अगर वो एक्स एक्सिस पर हो तो कैसा दिखेगा। देखो हिंदी में भी आप देख सकते हो, एक्स अक्ष की बात कर रहा है, ठीक है, तो कैसा होगा, देखो ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, तो जैसे 1 2 3 ये जितने भी एक्स है, तो एक्स एक्सिस का मतलब पता है क्या होता है, एक्स एक्सिस का मतलब होता है एक्स कोमा 0। अगर वाई एक्सिस पूछेगा, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, हिंदी में अगर वाई अक्ष पूछेगा तो 0 कोमा वाई होता है। ठीक है, अगर ओरिजिन पूछता, मूल बिंदु पूछता,
ये बिल्कुल बीच का होता है, तो इसको बोलते हैं हम 0,0। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बता रहे, तो नहीं तो फिर इस चीज में पूरा क्लास हो जाएगी ना, है ना। इसलिए तो ये प्लस का होता है, माइनस का होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश हो गया, एक्स डैश हो गया। ये बनाना नहीं, समझाने के लिए बताया, आंसर तो आपको बता देना मैंने, ये आ गया 0,0। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है वृत्त का केंद्र जो होता है ना वो कहाँ होता है, अंदर होता है बाहर होता है। दस चैप्टर में बुक का खालिस्तान ही है। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश, तो कहाँ होगा, इंटीरियर होगा। ठीक है, तो आसानी था। नेक्स्ट पर आ जाओ, ये कह रहा है कंसेक्यूटिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर, जो कंसेक्यूटिव एंगल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो कैसे होते हैं। देखो ये पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज के जो क्रमागत कोण होते हैं, क्रमागत का मतलब पता है कि लाइन से, जैसे ये वाला, इसके बाद कौन आएगा, ये वाला, ये वाला, उसके बाद कौन आएगा, ये वाला, ये वाला, उसके बाद कौन आएगा, ये। तो कह रहा है अगर दो एंगल हैं, दोनों लाइन से हैं, जैसे मान लो ये और ये ले लो, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा। मैंने आपको बताया भी होगा जो पुरानी वीडियो मैंने एक कंसेप्ट वाली बताई थी ना, ये चैप्टर 8 से रिलेटेड, तो मैंने बताया था कि इन दोनों का जो टोटल है 180 होता है, तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं। एडिशन भी बताया था मैंने, सप्लीमेंट्री मतलब टोटल 180। ठीक है, तो अगर अपोजिट बोलेगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर लाइन से होगा तो वो क्या होगा, 180 होगा। तो 180 किसका होता है, सप्लीमेंट्री का होता है, तो इसका आंसर बी आ गया। ठीक है, अब उसके बाद 18 क्वेश्चन देखो जल्दी से। ठीक है, हिंदी में संपूरक बोलते हैं, ठीक है, संपूरक हो गया ना ये, तो ये इसका बी आंसर आ गया। अब उसके बाद 18 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसकी रेडियस कितनी होगी। ये 13 चैप्टर में बुक का क्वेश्चन दे रखा है। तो सी एस ए ऑफ स्फीयर, देखो जो चीज दी है ना उसी का फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर जल्दी पाओगे। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 616 दे रखा है। सी एस ए ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है, 616। सी मतलब कर्व, एस मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, 4πr2। ठीक है, तो 4 की जगह 4 लिखा, पाई की जगह 22/7 लिया, आर की जगह आर ही लिख दिया, क्योंकि आर ही तो निकालना है। ठीक है, तो ये 4 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, ये बाय बाय सब ऊपर है तो ये उल्टा रिवर्स हो जाएगा, जब इक्वल के इधर जाते हैं तो उल्टा हो जाते हैं। अब इसको काट दो, 4 से काट दो, 4×1=4 हो गया, 2 कैरी हो गया, 4×5=20। उसके बाद हम इसको अगर एक दे देंगे तो 4×4=16, और 22 का टेबल अगर 7 तक पढ़ेंगे तो 22×7=54 होता है। आप 2 से काट सकते हैं, छोटा और कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको मल्टीप्लाई पता है या डिवाइड पता है, तो स्क्वेयर जाके ये रूट बन जाएगा, 2 7 में से 1 7 बाहर आ जाएगा, 7 आ गया। फिर भी मैं इसको और थोड़ा छोटे में काट के दिखा देता हूँ, अगर जिस बच्चे को थोड़ा डाउट होता है कई बार मल्टीप्लाई या डिवाइड में, तो देखो ये तो समझ में आ गया, ये उधर ले गए, ये दोबारा बता रहा हूँ मैं। देखो सिंपल सिंपल काट लो, 2 से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, ना जाने की 0 बच्चों, 0 लगाना, कई बच्चे क्या करते हैं 38 लिख देते हैं यहाँ पर, तो फिर कहते हैं हमारा आ नहीं रहा, तो 2 1 कम, इसलिए मैंने दोबारा बताइए, 2 3 6 हो गया, ना जाने की 0, 2 8 16। ठीक है, 0 0 लगाना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर वही आना चाहिए, अगर 38 लिख देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 16 तो आएगा ही नहीं, समझ जाओ गलत है। ठीक है, अब 2 से और काट लो, और काट लो, 2 2 4, 2 1 कम 2, 1 इसे दे दिए, 2 5 10, 2 4 8, 2 से और काट लो, 2 7 14, 2 7 14, ठीक है, 11 7 77। ठीक है, ठीक है, मैंने 2 7 आ गए, 2 7 में से 1 7 बाहर आ गया, तो रेडियस कितनी होगी, 7 आ गए, तो इसका आंसर कितना आ गया, ठीक है, ए आ गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन है वो है, तो यहाँ पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है कि एक स्थिरांक बहुपद है, स्थिरांक का मतलब होता है कौन सा स्थिरांक, 7। 7 के अंदर बोले कि 7 एक बहुपद है स्थिरांक वाला, हाँ है। ये कह रहा है जो बहुपद होते हैं ना स्थिरांक वाले, उनकी घात 0 होते हैं, तो ये भी 2 है, तो दोनों सही है और रीजन भी ठीक है, तो ये ए आ गया। ठीक है, तो मैं और भी बताता हूँ, पहले इंग्लिश में सुन लो। ये कह रहा है 7 जो है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। देखो जो पॉलिनोमियल होते हैं ना, पॉलिनोमियल मैंने बहुत सारी वीडियोस वैसे बना रखी है 2 साल पहले की भी, बहुत अच्छे से कंसेप्ट बता रखे हैं, बच्चों ने वो देख लिया ना बहुत उनको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन 2 साल पुरानी वीडियो सैंपल पर भी बना रखे हैं बहुत से। तो पॉलिनोमियल है बच्चों, एक होता है 0 पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है, 0 बहुपद, तो वो 0 को बोलते हैं।
एक होता है कॉन्स्टेंट, मतलब उसमें सिर्फ गिनती होती है 7 8, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएबल, वन वेरिएबल टू वेरिएबल चालू हो जाते हैं, ठीक है। अचर या स्थिरांक बोलते हैं उसको। तो ये कह रहा है कि इनकी जो डिग्री होती है जीरो होती है। पता है क्यों जीरो होती है? देखो 7 इसके आगे एक्स के ऊपर जीरो लिखो, देखो एक्स की पावर जीरो तो उसकी वैल्यू 1 होगी तो 7 आएगा। अगर मान लो यहां पर 1 हो जाएगा तो एक्स तो गायब ही नहीं होगा। तो इसलिए जो कांस्टेंट होते हैं ना उनकी जो डिग्री होती है वो जीरो होती है, ताकि उसकी पावर 1 बनेगी वो वही रहेगा। तो ये दोनों ठीक है, रीजन भी ठीक है और असम्पशन भी ठीक है। तो इसका ए आंसर होगा, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि कैसे कैसे टिक करना है, आपको अच्छे से पता होगा। ए और आर दोनों सही होते हैं, ठीक है। ये रहा, ए और आर दोनों सही होते हैं, और अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता तो ए पे टिक कर देते हैं, ठीक है। ये हिंदी में भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अब उसके बाद 20वां क्वेश्चन है। यहाँ 20वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो घनाभ है ना, घनाभ वो त्रिविमीय आकृति होते हैं। ये कह रहे ठोस जितने भी होते हैं उनकी त्रिआयाम होती है, ठीक है। तो इंग्लिश में बोल रहा है कि जो क्यूब होते हैं ना, क्यूब वो 3 डायमेंशनल होते हैं, 3D होते हैं, 3D। हाँ, जो क्यूब है या क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड लिखा है, घनाभ मतलब क्यूबॉइड होता है। तो क्यूबॉइड 3 डायमेंशन है तो ठीक है। कह रहे जो सॉलिड होते हैं उनकी 3 डायमेंशन होती है, ये भी ठीक है। तो और क्योंकि क्यूबॉइड सॉलिड है इसलिए उसकी भी डायमेंशन 3 है, इसलिए दोनों ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ए हो गया, ठीक है। इसका भी ए आ गया और इसका भी आंसर ए आ गया। अब स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन। देखिए यहां पर हमें बोला गया है कि 0.47 पर बार लगा हुआ, इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 0.47 पर बार है, इसको हमें पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है। देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं, इसकी मैंने एक शॉर्टकट वीडियो बना रखी है, चैप्टर्स की बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं चाहे तो। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं। देखो एग्जाम में आप कैसे करोगे, आपने ये लिखा इसको हमें पी बाय क्यू की फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, लेट लिखा, हिंदी में लेट को माना लिखेंगे, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं माना, इसको हमने एक्स के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो बिल्कुल मैं अपने तरीके से कराऊंगा। ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो रकम लिखी हुई है उस पर बार लगा हुआ है, ठीक है। जब पॉइंट के बाद रकम लिखी है उस पर बार लगा है तो उसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। और अब आप देखो कि जो बार लगा है ना पॉइंट के बाद जो रकम है वो कितनी रकम पर लगा है, ये लगा 2 रकम पर। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। हिंदी में आप लिखेंगे, मैं जो हिंदी मीडियम है वो रेड पेन से लिख देता हूं ताकि दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, तो आपको क्या करना, दोनों ओर 100 से गुणा कर देना है। गुणा मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 100 को इससे मल्टीप्लाई करेगा 100x आएगा, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो इस बार का मतलब पता है क्या होता है, इस बार का मतलब होता है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई से करेंगे तो 1.47 आगे आ जाएगा, और 4.7 तो ये चलता रहेगा, तो इसलिए बार यहां पे लगा रहने देंगे। देखो 100 से मल्टीप्लाई करो तो 4.7 एक बार आगे आएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट में से और राइट वाला राइट में से घटाएंगे, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स 47.47 पर बार माइनस 0.47 पर बार। 100 में से एक्स गया कितना बचा, 99। अब देखो पॉइंट के पहले में से पॉइंट के पहले वाला घटाते हैं, 47 में से 0 के कितने बचे, 47, और पॉइंट के बाद वाले में से पॉइंट का बाद वाला घटाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये 99 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो
तो ये पी बाय क्यू फॉर्म आ गए। अब मैं आपको बताऊं, मैंने इसकी शॉर्टकट वीडियो भी बना रखी, जैसे एक नंबर का टिक करने को, तो आपको मैं सिंपल बताता हूँ। जैसे यहाँ पर भी ये देखो 47 है लिखा, और कितने पर बार, दो पर, तो नीचे आ गया 99, ठीक है। और इसके आगे कितनी रकम है, कुछ भी नहीं है, तो उसको घटा के देखो जीरो लिख देंगे, तो वही सेम आ गया। तो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है शॉर्टकट वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। मैंने 2 साल पहले के भी क्वेश्चन पेपर पूरे पूरे बना रखे हैं, सैंपल पेपर, वो भी आप देखना, बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों में से एक कर रहे हो, ऊपर वाला करो या नीचे वाला, लेकिन मैं समझा रहा तो दोनों कराऊंगा, ठीक है। तो ये है हमारा नीचे वाला है, ठीक है, ये हिंदी में भी दिखा दिया मैंने। अब फटाफट से करते हैं, 27 की पावर दे रखी है 2/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 4/3। ये आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ती है, ठीक है। तो 27 लिखा, 2/3 मल्टीप्लाई का प्लस हो जाता है, 1/3 मल्टीप्लाई का प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब इस पूरे को अलग से सॉल्व कर लो, अगर आप माइंड में कर सकते हो यहीं पर तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने तीनों का एलसीएम लेंगे, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 आ गया। 3 के टेबल में 3 एक नंबर पर आता है, 3 के टेबल में 3 एक नंबर पे आता है, 3 के टेबल में 3 एक नंबर पे आता है, तो 2 × 1 = 2 1 × 1 = 1 4 × 1 = 4 मतलब सेम ही रहेगा। तो 2 × 3 हो गया 4, तो 4 − 3 के माइनस का 1/3, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, माइनस का 1/3 आ गया, समझ में आ गया कैसे आ गया। अब 27 है ना, 27 इसका प्राइम फैक्टर कर लो, 3 × 27 3 × 3 = 9 3 × 1 = 3 3 × 9 = 27 3 × 3 = 9 3 × 1 = 3 तो 3 की पावर 3 1, 2, 3 बार है ना, मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का 1/3, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, तो 3 के ऊपर क्या बचा, माइनस 1 बचा। भाई ऊपर नीचे कट गया ना, ऊपर नीचे तो कटता है, ऊपर पर थोड़ी कटता है, तो ये माइनस है, तो ये उल्टा हो गया, ये आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। ये रफ वर्क था, ठीक है, रफ, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों में से एक करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 22, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, दो साइड उसकी दे रखी है और उसका पैरिमीटर दे रखा है 32, ठीक है। ये देखिए हमें बोला गया है कि हिंदी में देख लो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, दो भुजाएं दे रखी है और परिमाप दे रखा है। देखो ये हमें त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, ट्रायंगल दे रखा है, इसकी दो साइड दे रखी है, मान लेते एक एरी और एक एरी, ए बी सी पी के और कोई भी नाम दे दो। कह रहा पैरीमीटर, पैरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री का टोटल, बाउंड्री का टोटल 32 दे रखा है, ठीक है, यानी कि इन तीनों का टोटल 32 है। कई बच्चे इतने मतलब जल्दबाजी में क्या करते हैं पता नहीं, कि इसी को 32 लिख देते हैं। अरे ये 32 कैसे हो सकता है खाली, इससे तो पैरीमीटर बोला है ना, पैरीमीटर बताओ तो तीनों साइड का टोटल, तो तीनों साइड का टोटल हमें 32 दे रखा है, मतलब हमें तीनों को जोड़ के 32 मिलेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा ना बीसी। तो हम क्या लिखेंगे, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 32। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 32। देखो तीनों का टोटल 32 है, ठीक है, ए बी कितना है 8, बी सी कितना है पता नहीं, ए सी कितना है 11, ठीक है। बहुत से बच्चों ने तो बी सी पता भी लगा लिया होगा कितना आया है, ठीक है, तो ये 11 + 8 = 19 हो गया और 12 में से 9 हो गए, ठीक है, 3 बचे और 2 में से 1 गया, 13 आ गया, ठीक है। अब हमें इसका एरिया निकालना, तो एरिया किससे निकालेंगे, हीरोन फॉर्मूले से, ठीक है। तो ऐसे करेंगे लेट, ठीक है, हिंदी में माना
ए बी को हमने ए ले लिया, ए बी को क्या ले लिया, ए, ठीक है। बी सी को हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। बी सी कितना हमारा 13 आया है, ठीक है। और ए सी को हमने सी ले लिया, ठीक है। उसके बाद एस निकाल लेंगे। एस का मतलब क्या होता है, तीनों का टोटल बटे में दो। हमें तीनों का टोटल पहले से दे रखा था 32 परिमाप को, तो बोलते हैं एस मतलब सेमी पैरामीटर, मतलब आधा परिमाप, 16 आ गया। अब एस माइनस ए निकाल लो। एस कितना है, 16, ए कितना है, 8, 16 में से 8 गए 8। एस माइनस बी, तो एस कितना दे रखा है, सॉरी 16 माइनस बी कितना था, 13, तो 3 आ गया। एस माइनस सी, 16 माइनस 11 यानी कि 5 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हिंदी में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। एस कितना दे रखा है हमें, 16, ठीक है। और ये कितना है, 8, ये कितना है, 3, और ये कितना है, 5, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर कर दो 16 के, ऐसे एलसीएम लेके करते हैं ना, प्राइम फैक्टर बोलते हैं उसे। तो 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, 8 के कर दो, 2 दुनी 4 दुनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का 3 रहेगा और 5 का 5 रहेगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन ले लो, 2 में से 1 बार आ गया, इस 2 में से 1 बार आ गया, इस 2 में से 1 बार आ गया, ये तीनों बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इसका कोई पेयर ही नहीं है। तो 5 से 15 दुनी 30, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8√30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमारा 23, ठीक है। 23 ये कह रहा है, फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ये कट द एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो आपको पता है क्या पता लगाना है, आपको इस इक्वेशन में एक्स एक्सिस पर ये कहाँ काटेगी और वाई एक्सिस पर कहाँ काटेगी, उसकी पॉइंट की वैल्यू बतानी है। ये जो समीकरण दे रखा है ना हिंदी में, तो ये जब हम इसको ग्राफ में बनाएंगे तो एक्स और वाई पर कहाँ काटेगा हमें वो बताना। देखो हम एक तरीका तो ये है, इसका हम ग्राफ बना लें। जैसे मान लो यहां काट रहा है, तो एक्स पर कहाँ काट रहा है और वाई पर कहाँ काट रहा है उसकी वैल्यू बता दे, एक तरीका ये है। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि ग्राफ से बनाओ, ठीक है। तो जब हमें ग्राफ से नहीं बोला तो हम इसको पुट करके निकालेंगे, ठीक है, कि कहां पर काटेगा। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, ठीक है, और हिंदी में एक्स अक्ष। तो जब एक्स एक्सिस होता है तो इसका मतलब क्या होता है, x,0, क्योंकि एक्स एक्सिस मतलब ये लाइन है, और जब ये लाइन है तो इस पर एक्स की तो वैल्यू होगी ना, वाई जीरो होगा। जब एक्स एक्सिस बोलते तो वाई जीरो होता है, जब वाई एक्सिस बोलता है तो एक्स जीरो होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इक्वेशन कौन सी हमें, 2x+3y=6 दे रखी है। तो अब एक्स की जगह तो एक्स लिखना है, वाई की जगह क्या लिखना है, जीरो लिखना है, ठीक है। तो एक्स की जगह हमें एक्स लिखना है, वाई की जगह हमें क्या लिखना है, जीरो लिखना है। तो 2 की जगह 2 आ गया, एक्स की जगह एक्स लिख दिया, 3 की जगह 3, वाई की जगह 0 लिख दिया। समझ आ गया ना क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना, तो वहां पर एक्स की वैल्यू होगी, वाई की 0 होगी, ये 0 हो गया। 2 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, एक्स 3 आएगा, मतलब कहां पर काटेगा वो एक्स को, 3 पर काटेगा, ठीक है। अब वाई एक्सिस का निकाल लो, ये डब्बा बना के छोड़ देना, ठीक है ना। वाई एक्सिस हिंदी में वाई अक्ष। तो पहले पूरी इक्वेशन लिखो। अब देखो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है ना सेम, तो मैंने इस पैरन का इस्तेमाल कर लिया, तो एक ही बात है, ठीक है। एक्स कितना है, अब वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, 0,y। देखो एक्स ये होता है, वाई ये होता है, पहले वाला एक्स दूसरे वाला वाई, तो आप यहां पर वाई कोमा जीरो मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो अब एक्स की जगह आपको 0 लिखना है और वाई की जगह आपको वाई ही लिखना है, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको। तो देखो 0 में कुछ भी जोड़ेंगे वही आएगा, तो
तीन गुणा वाला भाग हो गया तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 2 आ गया। तो ये हमने कर दिया 23 क्वेश्चन, समझ में आ गया। अब आ जाओ 24 पर। 24 में कह रहे हैं कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो इसके पूरक से 4 गुना अधिक हो। देखो पहले पूरक का मतलब समझ लो, पूरक का मतलब होता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट, मतलब जिसका टोटल 90 होता है। मतलब देखो अगर कोई भी बोले ना कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो दो एंगल को जोड़ने पर 90 आएगा, और अगर बोलेगा ना सप्लीमेंट है तो दो एंगल को जोड़ने पर 180 आएगा। तो दोनों ही यहां पर दे रखे, कॉम्प्लीमेंट वाला भी दे रखा है, सप्लीमेंट वाला भी दे रखा है ऑप्शन में। देखो पूरक भी दे रखा है और संपूरक भी दे रखा है, हमें तो दोनों करने हैं क्योंकि मैं समझा रहा हूं। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप ये लिखोगे लेट, ठीक है। अब मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ब्लू से हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है। लेट लेट एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री ले लिया, मतलब एंगल क्या ले लिया, एक्स डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 90 में से एक्स घटा देंगे क्योंकि दोनों का टोटल 90 है। अगर एक एक्स है तो दूसरा 90 माइनस एक्स होगा, या डिग्री लगा लेना ऐसे करके, ठीक है। ये जीरो नहीं है, डिग्री है, ठीक है। तो हिंदी में इसको लिख देते, माना कोण एक्स है तो उसका जो पूरा कोण है वो क्या होगा, ये मैंने सेम लिखना तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला गया है, जो बोला गया है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है, ध्यान देखो, वह कोण ज्ञात कीजिए जो इसके पूरक से 4 गुना अधिक है। मतलब एक कोण दूसरे के 4 गुना अधिक है, यानी कि अगर मैं एक को इधर लिखूं, एक मतलब ये वाला, जैसे दोनों है ना, दोनों को पहले आमने सामने लिख दो। अब दोनों बराबर कब होंगे, क्योंकि एक दूसरे से 4 टाइम्स बड़ा है। जैसे मान लो आपके पास 10 रुपए है, आपके पास कितने रुपए, और आपका दोस्त कह रहा है कि मेरे पास 4 गुना पैसे ज्यादा है, तो उसके पास 40 है, तो आप दोनों बराबर कब होंगे, जब आप अपने आप को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बराबर होगे। तो अगर एक एक्स है दूसरा 90 मिनट एक्स है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें छोटे वाले में 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया, ठीक है, समझ आ गया। क्यों करी, बराबर करने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यार, इसको दोबारा सुनोगे ना आ जाएगा, ठीक है। तो 4 9 36 हो गया, 4 1 4 हो गया, माइनस का 4 जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और आपको ब्लू पेन से करना है बच्चों, ठीक है। 5x 360, x 360 बटे में 5, तो 5 से काटो, 5 7 35 हो गया, A1 कैरी कर दिया, 5 2 10 72 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल्स आर, तो पहले वाला 72 डिग्री आया, तो दूसरा कौन सा आ गया, छोटे वाला कितने का आ गया, 90 में से 72 का कितने बचे, 18 बचे, ठीक है। तो 72 18 कोण, तो ये लिख दें कोण है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन वाला कर लेते हैं, और वाला, और वाला क्या कह रहा है, यहाँ देखो पढ़ लेते हैं, और वाला कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू सप्लीमेंट्री एंगल, देखो यहाँ पर 4 गुना बोल रहा था ना, यहाँ बोल रहा है कि दो एंगल का डिफरेंस 40 है, तो छोटा एंगल निकालेंगे, तो और आसान है, करेंगे बिल्कुल ऐसे ही सेम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल, लेट एंगल, ठीक है। तो लेट एंगल इज इक्वल टू क्या मानेंगे, एक्स डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल, क्या लेंगे, 180 माइनस एक्स डिग्री, ठीक है। अगर पहला कोण हमने एक्स माना तो दूसरा संपूरक कोण क्या आएगा, 180 में से घटा देंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने, कि इसका जो डिफरेंस है इनको घटाएंगे, इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां पर 40 आएगा। तो हिंदी में इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को प्रश्नानुसार, ठीक है। यहां पर भी बता देता हूं प्रश्न, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, इसमें से इसको घटाओ, x माइनस इसको ब्रैकेट में लिखो, 180 माइनस x इज इक्वल टू कितना आएगा, 40 है। हमने ऐसा क्यों करा, क्वेश्चन में बोला कि दोनों का डिफरेंस 40 है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 40 है, ठीक है। तो x लिखा है यहां पर, और 180 माइनस का हो गया, माइनस का क्या हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है।
एक्स एक्स कितना होगा 2x माइनस का 180 जाके प्लस का 180 हो जाएगा इक्वल के। उधर जब जाता है साइन चेंज हो जाता है, वेरिएबल एक तरफ रखते हैं कॉन्स्टेंट एक तरफ रखते हैं, ठीक है। तो 2x कितना आ गया 220, x कितने का गया 220 को 2 से डिवाइड कर देंगे 110 आ गया। तो अगर एक 110 है तो दूसरा कितने का होगा 70 का होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे एंगल्स आर, एक 110 आ गया, दूसरा कितने का गया 70 का आ गया, ठीक है। तो कोण है, ठीक है, ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया यहां तक। अब 25वां क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि आपको ना एक पॉइंट दे रखा है 3 और 10, इससे होकर जाने वाली आपको दो लाइंस बनानी है। सबसे आसान है, इसमें कुछ नहीं लिखना आपको। ये 3, 10 आपको पॉइंट दे रखा है, इसने बोला इससे होकर जाने वाली टू लाइंस बनाइए, ठीक है। तो यहां लिखना रिक्वायर्ड टू लाइन, सबसे आसान तरीका है इसका, ठीक है। आवश्यक दो रेखाएं, ठीक है, लिखना चाहते लिख सकते हो, जो 3, 10 से होकर गुजरती है, होकर गुजरती, नहीं तो इतना भी लिख दोगे तब भी काफी, ठीक है, लिख देता हूं पूरा। विच पासिस थ्रू 3, 10, देखो हमें ऐसी इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से होकर गुजरे। तो हमने क्या करा, एक्स को 3 और वाई को 10 ले लिया। तो आप खुद सोचो, एक्स और वाई दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 7 आएगा, बन गई ना दो इक्वेशन। देखो आप इसमें बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं, बहुत सारी, जैसे आप इसको डबल कर लो 3 × 6, ठीक है, यानी कि 2x, मैं ऐसी रफ में बता रहा हूँ, ठीक है, और इसमें जोड़ दो y, तो कितना हो गया 16। इस 16 को इधर लेकर आना है, जैसे आपको सर आप हमने इक्वल में लिखा है तो नंबर तो नहीं कटेंगे, नहीं, आप इसको इतना लिख दो तब भी ठीक है, आप इसको इधर ले जाना चाहते हैं तब भी ले जा सकते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई माइनस का 13, ठीक है, तो आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोला इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में भी जो स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करना है, सबसे अंदर पहले चले जाओ। तो ये 8 लिखा है ना, 8 के करो, आपको सीधा पता होगा 2 × 2 = 4 × 8 होता है, ठीक है, फिर भी लिख के दिखा देता हूँ। 1, 2, 3, तो यहाँ कितना है 2 के ऊपर 3, और यहाँ कितना है 1/3, तो 1/3, तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। प्लस 27 का करो, 3 × 3 = 9, ठीक है, तो 3 की पावर कितनी हो गई 3 मल्टीप्लाई में 1/3, ठीक है। तो ये ब्रैकेट है, इसके ऊपर लगा हुआ है 3, भार कितना है 5, और पूरे ब्रैकेट के भार में 1/4 लगा हुआ है, समझ में आ गया। अब देखो 3 से 3 कट गया, बहुत आसान है डियर, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप ध्यान समझना। ये 5 लिखा, ठीक है, ये 2 बचा यहाँ पर, क्योंकि किसी की पावर 1 होती तो वही लिख देते हैं, किसी की पावर 1 होती तो वही लिख देते हैं, या 3 लिखा हुआ है, ठीक है डियर। अब देखो 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब इसके ऊपर 1 लगा लो, जब बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाता है। तो 5 के ऊपर 3 है और यहाँ 1 है, तो कितना हो गया 4, और इसके ऊपर कितना लिखा हुआ 1/4, तो पावर की पावर में क्या होती है, फिर से वही मल्टीप्लाई, ये 4 सर कट गया, आंसर कितना आ गया 5 आ गया। मुश्किल था कोई नहीं था ना, समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि द साइड ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज है, एक खेत है, और उसकी साइड दे रखी 40, 9 और 41। तो ये कह रहा है कि इसमें ना फूलों की क्यारियां लगाई गई हैं, मतलब फ्लावर बेड लगाए गए हैं। तो ये कह रहा है कि आप बता सकते कितने लगाएंगे होंगे, अगर हमें एक जो फ्लावर बेड है उसके लिए 18 cm² की जगह चाहिए। तो सिंपल सी बात है, पूरा पहले एरिया निकाल लेंगे और 18 से डिवाइड कर देंगे, पता लग जाए कितने बनेंगे,
जैसे सिंपल सी बात है, जैसे आपको भी पता लग जाए कि इसके अंदर जैसे हमने 2,000 रुपये लगाए, ठीक है, 2,000 रुपये लगाए और एक चॉकलेट जो है वो 200 रुपये की बन रही है, तो मुझे पता लगाना कितनी चॉकलेट बनेगी। तो क्या करूंगा, डिवाइड तो करूंगा, 10 बनेंगी, ज़्यादा महंगी होगी चॉकलेट, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं 27 पर आ जाओ। तो देखो हमें इसका पहले पता लगे ना करना क्या है, पहले ये तीन साइड दे रखी है तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये देखो पहले ट्राइंगल बना लो, ये हालांकि वैसे तो मुझे पता है ये एक दूसरे का स्क्वेयर होता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में बनेगा, ठीक है। तो अब मैंने, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो आप फिर कैसे करोगे, तो इसलिए फिगर के नंबर ऐसे नहीं होते, बस आपने बना दिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों साइड लिख दी, ठीक है। तो फटाफट क्या करेंगे भाई, लेट ए बी इज इक्वल टू, हमने ए ले लिया कितना है 40, ठीक है, हिंदी में इसको हम माना बोलेंगे, ठीक है। और बी सी को हमने बी ले लिया कितना है 41, और अगर सेंटीमीटर है मीटर है चेक कर लेना, सेंटीमीटर है देख लेना सारी यूनिट सेंटीमीटर में है या मीटर में। फिर ए सी को हमने सी ले लिया कितना देखा 9 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हम एक पहले क्वेश्चन कर चुके हैं तो अब हमें इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फटाफट से कर लेते, तीनों को जोड़ दो 40, 41 और 9, तीनों को ऐड करके आधा कर दो, आधा करना है एस मतलब अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर, ठीक है। तो ये कितना होगा 50, 90, और 90 का आधा कितना होता है 45 होता है। फिर एस माइनस ए निकाल लो, 45 में से ए घटा दो कितने बचे 5 बचे, एस में से बी घटा दो यानी कि 45 में से 41 घटा दो कितने बचे 4 बचे, एस माइनस सी 45 में से 9 घटा दो तो हमें कितना मिलेगा, ठीक है, 45 में से अगर हम 9 घटाएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद ये हमने लिख दिया सेंटीमीटर में, अब निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देते हैं, ठीक है, और हिंदी में त्रिभुज का, ये त्रिभुज का साइन होता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो फॉर्मूला जितना मर्जी लिख लो, आपको ब्लू से लिखना सारा, ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। एस कितना दे रखा है 45, एस माइनस ए कितना दे रखा है 5, एस माइनस बी कितना है 4, और ये कितना है 36, ठीक है। अब फटाफट इसके टुकड़े कर लो, 45 के क्या होते हैं 5 या 15 या 45, आप ऐसे कर सकते हो 45 के, है ना, ऐसे 3 एकम 3, 3 बन जाए 3, 1 इसे दे दिए, 3 बन जाए 15, 3 5 जाए 15, ठीक है, और 5 एकम 5, ठीक है ना। अब जिनको एक्सपीरियंस है थोड़ा ट्रैक भी कर सकते हैं, और 36 के कर लो, 6 6 36 होता है तो 3 दुनी 6, 3 दुनी 6, ठीक है, ठीक है ना। और ये 4 है, 4 के भी कर लो 2, यहाँ लिख लेते हैं 2, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, सारे कर लो मतलब। तो अब आप फटाफट कॉमन ले लीजिए, देखो 5 कितने हैं 1 2, एक बार आ गया, 3 कितने हैं 1 2 3 4, तो 2 3 बार आ गए, ठीक है, और 2 कितने 1 2 3 4, तो 2 बार आ गए, ठीक है, आधे बार आ जाएंगे। तो इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 15, 15 3 45, 90 180, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है कि यहाँ पर था ना बैट्स निकालने थे, द नंबर ऑफ द फ्लावर बैट्स, तो सिंपल ये लिख देंगे नंबर ऑफ फ्लावर बैट, ठीक है। तो क्या आएगा, 180 आया था, उसको डिवाइड कर देंगे 18 से, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 10 आ गया, तो टोटल कितना आ गया हमारा 10 अंश, ठीक है। इंग्लिश में मैं लिख दिया मैंने, तो हिंदी में लिख देता हूँ, फूलों की क्यारों की संख्या लिख दीजिए, ठीक है, यहां से देख कर, ठीक है, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 28 करवाने जा रहा हूँ, और ये जो 28 क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट 3 है वीडियो का, तो
स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन ऐसा कोई भी आ जाए ना, तो आपको पता है क्या करना होगा, जो चीज फाइंड करनी है ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, देखो जो हमें दे रखा है ना, ये हमने लिख लिया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इजिकल टू 49, ये लिखा, और एक्स माइनस वाई इजिकल टू 3 ये लिख लिया, ये हमें गिवेन है। ठीक है, और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमें फाइंड करना है ना उसी को आप देखो कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, उसको आप खोलो मतलब। तो इसको खोलो, क्या फॉर्मूला होता है इसका, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखो इधर ध्यान से देखो कि हमें एक्स माइनस वाई तो दे रखा है, हमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर भी दे रखा है, पर हमें एक्स वाई नहीं दे रखा। तो एक्स वाई लाने के लिए इन दोनों में से हमें किसी एक पर या तो स्क्वेयरिंग बोझ सेट करनी पड़ेगी या क्यूबिंग बोझ सेट करनी पड़ेगी। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। देखो जब हम स्क्वेयरिंग बोझ सेट करेंगे मतलब दोनों ओर वर्ग लेंगे ना, तो आपको ये याद होना चाहिए, देखो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, कि जब हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पर 2ab भी आता है और हमें ए बी तो चाहिए, तो यानी कि हम स्क्वेयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अगर हम क्यूब वाला लगाएंगे तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी इस तरीके से आएगा। ठीक है, और हमें ये चीज तो वैसे भी नहीं पता, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। मैं पता ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार घूम के आ जाते हैं, तो बच्चे अगर इसी तरीके से जैसे लिखा है वही करवा दूंगा तो फिर अच्छे से कैसे एक्स्ट्रा सीखेंगे। कल को अगर कोई और क्वेश्चन आ गया तो आपको ये तो पता रहेगा कि हाँ भाई जो ये दे रखे उसके फॉर्मूले लिख लो और उसके बेस पर पता लगा लो कौन सा लग रहा है, तो हमें ये लगाना है फॉर्मूला। तो ये कैसे करेंगे, ये वाली चीज दोबारा लिखेंगे दोनों ओर वर्ग लेने पर। ठीक है, हिंदी में लिख लो फिर इंग्लिश में, दोनों ओर वर्ग लेने, एक्स माइनस वाई ऊपर लग गया स्क्वेयर इजिकल टू 3 का स्क्वेयर, इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसलिए अलग पेन का यूज कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले पे स्क्वेयर दूसरे वाले पे स्क्वेयर माइनस 2 लिख के दोनों एक साथ। देखो ये जो माइनस है ना ये यहाँ आएगा, ये जो स्क्वेयर होते हैं ना ये हमेशा प्लस पे होते हैं, इसका जो क्वेश्चन लगाओ ना लगाओ मर्जी होती है। अब 3 × 2 = 6 मत कर देना, 3 की पावर 2 का मतलब 3 की 3 में गुणा करोगे 9 आएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसकी वैल्यू कितनी दे रही है, 49, इस पूरे की जगह क्या रहेगा 49 आ जाएगा, 2xy = 9। अब देखो इस 9 को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, प्लस का 9 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2xy इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 49 से 9 गए 40 बचे, ये 2 मल्टीप्लाई वाला इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो इसको इससे काटा कितना आ गया 20। ओके, तो 20 ये आ गया एक्स वाई, तो एक्स वाई के लिए 20 आ गई। अब हम नाउ अब हमें क्या निकालना है, ये चीज निकालनी है ना, तो इसको यूज करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इजिकल टू एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। एक्स माइनस वाई कितना है ये देखो, ये रहा 3। ठीक है, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कितना है, ये रहा 49, और एक्स वाई कितना है यहाँ पर 20। ठीक है, तो प्लस 20 तो 3, और इन दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 69। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 27। ठीक है, 2 बच्चे इसे दे दिए, 3 × 6 = 18 और 2 कितने होते हैं 20 होते हैं, तो 207 हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब हमारा है 29 क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप ये हिंदी में भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है ये रहा। ठीक है, चलो करते हैं फटाफट इसको। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना
तो हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ता क्या करना पड़ता है हर का परिमेयकरण मतलब रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर तो ये चीज ऊपर चली जाएगी और यही चीज नीचे आ जाएगी। हमने क्वेश्चन करा था ना जिसमें केवल इतना ही करने के लिए बोला गया था जो शुरू शुरू का क्वेश्चन था है ना। अब हमें इसे पूरा करना और ये चीज सेम उतारते रहेंगे ठीक है। ये चीज बिल्कुल सेम उतरेगी। अब ये दोनों सेम है तो ये पूरे का होल स्क्वायर बन गया और यहां पर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा ठीक है। फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है। ये देखो ये दोनों सेम थे ये ऐसे थे मतलब ए प्लस बी तो ये पूरा हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले वाले पे दो दूसरे वाले पे दो दो लिख के दोनों एक साथ कर देंगे। अभी हमने इतना लिखा ठीक है अभी इसके बाद ये करेंगे। और अगर a माइनस बी है a प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। ठीक है अब ये चीज सेम उतरेगी। अब इसको सॉल्व करो पहले वाले पे दो लग गया दूसरे वाले पे दो लग गया ऊपर वाला ऊपर लिखेंगे नीचे वाला नीचे लिखेंगे दो लिख के दोनों एक और ये दो से रूट कट गया दो से रूट कट गया ठीक है आ रहा है ना समझ में। अब ये वाली चीज सेम उतारेंगे ठीक है। अब देखो भाई दो से रूट कट गया पता है ऐसा क्यों हो रहा है। देखो हर रकम में दो रूट होते हैं जैसे दो है ना तो रूट दो मल्टीप्लाई रूट दो इसलिए तो रूट से कट गया दो बचा रूट से कट गया तीन बचा और ये आ गया दो दो तीन छह दो में से तीन के माइनस का एक बचा ठीक है इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट सिक्स। अब दो और तीन कितने हो गए पांच हो गए नीचे माइनस वन है ठीक है। अब इस माइनस वन को इसके साथ इसे अलग कर दो तो ऐसे ये माइनस ऊपर चला गया माइनस प्लस माइनस ये ऊपर चला गया ठीक है। अब हम कर देंगे कंपेयरिंग क्या कर देंगे तुलना कर रहे हैं पर कंपेयरिंग तुलना करने तो तुलना करने मतलब जैसे देखो ए है पूरा कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट आ गया ए कितना के पांच आ गया ठीक है। और बी क्या होगा जो रूट छह के साथ है रूट छह के साथ कौन है माइनस का दो ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे माइनस ऊपर गया तो यहां पर माइनस ऊपर आएगा यहां पर तो ये ए कितना माइनस का फाइव है ठीक है और बी कितना माइनस का टू। देखो ये माइनस ऊपर चला जाएगा इस बात को हमें ध्यान रखना है और ये माइनस प्लस माइनस होगा ठीक है। तो ए हमारा माइनस का फाइव आ गया बी हमारा माइनस का टू आ गया ये हमारे दोनों आंसर आ गए ठीक है। स्पेस कम था नहीं तो ये इसके नीचे लिखता मैं क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमसे बोला गया कि फैक्टराइज करना है सेकेंड चैप्टर से ही है ठीक है। ये क्वेश्चन है हिंदी में हमें गुणनखंड करने हैं इसके ठीक है। तो चलो करते हैं इसको ये भी बहुत आसान ही है क्वेश्चन 8x³ ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं ना तो हमें बस ये पता लगाना है कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ठीक है। तो ये देखो तो इसमें आप सबसे पहले देखो ये क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी कौन सी a³ + b³ वाली। तो आपने देखा होगा चैप्टर में भी प्रूफ भी करना होता है ठीक है ना तो वही आइडेंटिटी हम इसमें लगा रहे हैं ये लगाएंगे यूजिंग ठीक है हिंदी में लिखेंगे प्रयोग करने पर ठीक है। तो अब आठ किसका क्यूब होता है बताओ जो आठ है वो किसका क्यूब होता है अगर नहीं पता लग रहा तो आप इसके प्राइम फैक्टर कर सकते।
तो एक दो तीन, ठीक है, तो ये आ गया 8 होता है 2 का, ठीक है। और ये जो 27 है ये किसका होता है, ये जो 27 है ये किसका होता है, कर लो 3 3 9 इस तरीके से, तो ये होता है √3 का, ठीक है। अब देखो मैंने रूट क्यों बोला, क्योंकि रूट लगा हुआ है ना, इसलिए। तो √3 लिख के वाई लिख के इस तरीके से ऊपर लग जाएगा 3, ठीक है, समझ में आ गया। ध्यान से देखना, ये रूट लगा हुआ है, रूट को मत छोड़ देना। अब लगा देंगे इसमें, तो ए कितना आ गया, पहले वाले को ए बोलेंगे, दूसरे वाले को बी बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो, पूरे में इक्वल लगा, ए की जगह ए आ गया, बी की जगह बी आ गया, और दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वेयर यानी कि 2x के ऊपर क्या लग गया, स्क्वेयर, इसे बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। ये स्क्वेयर लगा ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट, फिर दो ब्रैकेट होंगे एक साथ, तो कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। बी कितना है, ये रहा √3y, ऊपर लग गया स्क्वेयर, माइनस ए कितना है 2x, बी कितना है √3y, ठीक है। तो 2x √3y, अब 2x की पावर 2 है, यानी कि 2x की मल्टीप्लाई 2x में करो कितना आएगा, 2 2 4, ये हो गया एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ गया 4x का स्क्वायर, ठीक है। अब √3y की पावर 2 है, तो √3y की गुणा √3y में करो, तो √3 √3 1 3 बन गया, वाई का स्क्वायर आ गया, ठीक है। बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे जिसको जल्दी हुई ना, तो थोड़ा वीडियो को स्पीड बढ़ा भी सकता है, स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो 2 √3, देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रूट में और बिना रूट में है, तो रूट वाला रूट में रहेगा, बिना रूट वाला बिना रूट के रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से एक्स और वाई इकट्ठे लिख देंगे, ये हमारा आंसर है, बस इतना ही करना था, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है, अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो आप नीचे वाला कर सकते हो, तो हम नीचे वाला भी करेंगे, दोनों करेंगे। तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x+2, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें बोला गया है कि 1 -1 और 0 पुट करके जोड़ देना है और आंसर पता लगाना है। पहले 1 पुट करना है, फिर -1 पुट करना है, फिर 0 पुट करना है, और तीनों को जोड़ देना, ठीक है। समझ में आ गई आपको, चलो करते हैं। पहले क्या पुट करेंगे, 1, तो जहां एक्स है वो 1 पुट कर दिया, ठीक है, 1 रख दिया, तो एक्स की जगह 1 रखना है पहले, तो 1 की पावर 2 है तो 1 ही आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 3, और 2 और 1 कितना होता है 3, प्लस के 3 माइनस के 3 कितने बचे 0। आप क्या पुट करेंगे, माइनस के 1 पुट करेंगे, तो -1 ऊपर लग गया 2, -1 ब्रैकेट लगा दिया हमने, अब -1 की पावर कितनी है 2 है, तो ये कितना आएगा 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 1 जा 3, तो 3 2 5 6, ठीक है। अब क्या पुट करेंगे, 0, देख लो यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, और -1 की पावर 2 है इसलिए 1 आया। मैं दोबारा बता रहा हूँ क्यों आया, देखो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 से कट गया तो 1 1 जा तो 1 ही होता है ना, इसलिए यहाँ पे 1 आया, ठीक है। और माइनस से माइनस कट गया तो 3 1 3 आ गया, और 3 2 5 6 होता है। अब क्या पुट करना है, 0, तो जहाँ एक्स है वहां क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 0, एक्स की जगह 0, अब 0 की पावर 2 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2, तो कितना आ गया 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या है थर्ड, नाउ लिख के, ठीक है। आप ये दिखाना चाहो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 सेकंड लगेगा ज्यादा से ज्यादा, 2
सेकंड लग जाएंगे और कुछ नहीं है, लिख दिया। तो हमने ये कितना है, कितना निकाला था, ये 0, ये कितना निकाला था 6, और ये कितना निकाला था 2, तो कितना आ गया 8, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मुश्किल था कोई? अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 31 जो क्वेश्चन है ये 6th चैप्टर से रिलेटेड है, और यहां हमें एक्स निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, और फटाफट इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये हमें दे रखा है 2y+25, ये दे रखा है x+15, और ये हमें दे रखा है 3y, और हमें बोला हुआ है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो फिर जो फॉर्मूले उसके रिगार्डिंग होते हैं वही हम लगा देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं था। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, मेनली हमें एक्स निकालना है, तो जब तक हमें वाई नहीं पता होगा हम एक्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आप देखो ये जेड बन रहा है, और जब जेड बन रहा होता है तो कौन सा फॉर्मूला हम लगाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, हम लिखेंगे एल पैरेलल एम के, इसलिए 3y = होगा 2y+25 के। ठीक है, क्यों होगा, ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जिन बच्चों को जैसे खुद आता है ना तो वो खुद ट्राई करके मैच करेंगे आंसर। ठीक है, तो इन्हें बोलेंगे अंतः एकांतर कोण। ठीक है, ये मैंने अलग से पेन यूज करके लिख दिया। अब देखो तो प्लस का 2y जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिख देना, एंड एन इज ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये लाइन को काट के जा रही है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे तथा, इसकी हिंदी लिखो तथा एन एक त्रियक रेखा है। अब देखो ये प्लस का 2y माइनस का हो गया, इक्वल टू में क्या 25, 3 में से 2 गए कितने बचे 1, तो हमारा 25 आंसर आ गया। ठीक है, जैसे अब इक्वल चल रहा हो ना तो आप ऐसे भी लगा सकते हो दिखाने के लिए। ठीक है, ये आगे अब आप देखो ये दोनों में क्या रिलेशन है, क्या है, कांटा लगा है ना, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो जब भी कांटा लग रहा है तो ये दोनों एंगल जो है आमने सामने के बराबर होते हैं, तो हम लिखेंगे एंड लगा देंगे यहां पर x+15 = 2y+25 होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंड का मतलब ये मैं सोचता हूँ कि हम इसी पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं, हम एंड मतलब और क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में से बोलेंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो अब आप ध्यान से देखिए y की वैल्यू कितनी है, 25, या 25 पुट कर देंगे। तो 25 × 50 और 25 कितने होते हैं, देखो पहले मल्टीप्लाई होते हैं फिर ऐड करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास के रूल से इससे 75 आ गया। अब हम 15 इसमें से घटा देंगे, हमारा जो x है ना वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 75 में से 15 हमने घटा दिए तो हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ये आंसर आ गया, बस खत्म। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें करवाएंगे सेक्शन डी को। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।